24 साल की खोज के बाद चीन परिवार को बेटी। एक चीनी युगल को अपनी बेटी के साथ मिला दिया गया है जो 24 साल पहले गायब हो गया था। वॉन विंकिंग और उनकी पत्नी ल्यू डेंगिंग ने 1994 में 3 वर्ष की आयु में गायब होने के बाद कीफेंग की तलाश की थी। उनकी अथक खोज में एक टैक्सी ड्राइवर बनना शामिल था। आशा में वह एक दिन उसे एक यात्री के रूप में उठा सकता था। उनकी बेटी ने इस वर्ष के शुरू होने के बाद उनके बारे में एक ऑनलाइन पोस्ट भर में संपर्क किया। रोशनी के पुनर्मिलन में उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, पिताजी आपको प्यार करते हैं। अविश्वसनीय कहानी ने चीन को बहला है जहां कई पुनर्मिलन मना रहे हैं। वॉन विंकिंग और ल्यू डेंगिंग फल बेचने वाले थे जो दक्षिण पश्चिमी शहर चिंगदू में सड़क के किनारे की दुकान पर अपने सामान बेच रहे थे। एक विशेष रूप से व्यस्त दिन पर श्री वॉन परिवर्तन से बाहर हो गया और एक ग्राहक के लिए पैसे बदलने के लिए संक्षेप में एक पड़ोसी स्टॉल के पास गया। जब कुछ मिनट बाद वह वापस आया, उनकी बेटी कहीं नहीं मिली थी, चीनी मीडिया ने रिपोर्ट की। श्री वॉन्ग और उनकी पत्नी ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में उसके लिए खोज करते हुए अखबारों में विज्ञापन लेते हुए और ऑनलाइन अपील स्थापित करने के लिए वर्षों से खर्च किया। दंपति जिनके पास दूसरी बेटी और एक बेटा है ने चिंगदू को कभी नहीं छोड़ा इस उम्मीद में कि कफेंग उन्हें उनके रास्ते वापस मिल जाएगा। 2015 में श्रीवान ने सवारी प्रेरक कंपनी दीदी चिकसिंग के साथ एक ड्राइवर के रूप में साइन अप करके खोज को विस्तृत करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पिछली खिड़की के बारे में जानकारी के लिए अपील करने के लिए एक बड़ा संकेत दिया और उन्होंने उन सभी यात्रियों को कीफेंग के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री वेंग को बच्ची के रूप में कीफेंग की एक तस्वीर नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी की एक तस्वीर अपने पत्रक में इस्तेमाल की। जैसा कि वे समान दिख रहे थे, उनकी अनूठी विधि चीनी मीडिया से ध्यान आकर्षित किया। एक दिन मेरी बेटी बस मेरी कार में बैठे व्यक्ति हो सकता है, उनका कहना है कि यह कहकर उद्धृत किया गया। कई सालों से चीनी पुलिस ने कई महिलाओं को पहचान लिया था जो कि फेंग हो सकते थे, लेकिन डीएनए परीक्षण से पता चला कि वे उनकी बेटी नहीं है। लेकिन एक सफलता अंततः पिछले साल आया जब एक पुलिस स्केच कलाकार श्री वॉन्ग के बारे में पढ़ा और कीफेंग क्या एक वयस्क के रूप में लग सकता है कि एक बैठक का उत्पादन करके मदद करने का फैसला किया। चित्र ऑनलाइन प्रसारित किया गया था। हजारों किलोमीटर दूर देश के दूसरी तरफ कांगयंग नामक एक महिला ने चित्र देखा और यह उसके द्वारा कितनी तरह दिखता है इस बारे में हैरान था। उसे करीब 20 किलोमीटर 12 मील दूर स्थित एक पास के शहर में दत्तक माता पिता द्वारा उठाया गया था, चीनी मीडिया ने बताया। उसके दत्तक परिवार ने उसे बताया था कि वह एक बच्चे के रूप में चिंगदू में एक सड़क के किनारे पाया गया। शिंघाइस्ट ने कहा, उसने इस साल के शुरू में श्री वांग से संपर्क किया और पाया कि उसने अपने लापता बेटी के साथ कुछ असामान्य लक्षण साझा किए, जिसमें उसके माथे पर एक छोटा निशान भी था और जब भी उसने रोई, वे जल्दी से एक डीएनए परीक्षण के लिए व्यवस्था की। इस बार परिणाम सकारात्मक था। श्री वांग को अंततः अपने लंबे समय से खो गए बच्चे को मिला। सोमवार को श्री वॉन्ग और कांगयंग ने आवाज मैसेंजर ऐप के माध्यम से पहली बार बात की। थिकवर.cn की सूचना दी चीनी में, अब से पिताजी यहाँ हैं, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिताजी आपकी मदद करेंगे, श्री वॉन्ग ने कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी इस खबर को साझा किया। उन्हें बताया, मेरे 24 साल के प्रयासों को बर्बाद नहीं किया गया था, मेरी बेटी मिली है, आप सभी को धन्यवाद। मंगलवार को चोड़ी उत्तरी जिलिन प्रांत में रहने वाले कांगयंग अपने पति बेटे और बेटी के साथ चिंगदू चले गए।
कांगयंग और उसकी माँ ये डिंगेन एक दूसरे को कसकर गले लगाते और रोने लगे क्योंकि वे एकजुट हो गए थे और परिवार के बाकी हिस्सों से तेजी से जुड़ गए थे। कांगयंग ने हिम्मत से संवाददाताओं से कहा, पूरी दुनिया ने मुझे बताया कि मेरे पास माँ नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। थिंकवर.cn की सूचना दी। श्री वांग ने बीजिंग युवा दैनिक अखबार में कहा, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि ये पिछले 24 सालों से हमने कितनी उम्मीद, निराशा और निराशा देखी है। अब हम फिर से मिल सकते हैं।